निर्देशक अर्जुन रेड्डी बांगा की फिल्म एनिमल लगातार भारतीय सिनेमा घरों में सफलता के झंडे गाड़ रही है। रणवीर कपूर के एक्शन से भरपूर इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में रात के शो भी हाउसफुल चल रहे हैं। छतरपुर के जेपी सिनेमा में पहुंचे दर्शकों ने बताया कि रात के वक्त भी बड़ी मुश्किल से उन्हें टिकट मिल रही है और इस शो को देखने के बाद निकले दर्शक फिल्म की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि रणवीर कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना जैसे कलाकारों से सजी इस फिल्म में भरपूर एक्शन के साथ साथ एक शानदार कहानी भी पर्दे पर आई है। फिल्म को लेकर सबसे ज़्यादा तारीफ रणवीर कपूर की हो रही है, जिनकी अदाकारी और एक्शन ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। हालांकि कुछ दर्शक फिल्म में दिखाए गए हिंसक दृश्यों से परेशान हैं, लेकिन ज़्यादातर दर्शकों को पहली बार सिनेमा घर में इस तरह के लाइव एक्शन को देखने का अवसर मिला है। छतरपुर के जेपी सिनेमा में फिल्म को देखकर निकले दर्शकों ने इस फिल्म से जुड़ी अपनी यादों को साझा किया। उन्होंने फिल्म पर अपनी बात भी कही। मूवी क्या खास रहा? मूवी मूवी में क्या खास रहा? देख लो, तुम भी जाके पता चल जाए। अच्छी लगी भाई? अच्छी लग रही है। आपने एनिमल देखी, कैसी लगी फिल्म? अच्छी लगी। क्या खास रहा फिल्म में? खास तो अच्छा नहीं था, वो आधी अच्छी लगी आधी। क्या अच्छा नहीं लगा? कैसी लगी भाई फिल्म? नहीं भाई, बढ़िया मूवी थी, बहुत अच्छी थी, आपको भी देखना चाहिए। क्या फिल्म में खास रहा? खास रणवीर कपूर की एक्टिंग जो थी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी, और क्या था बस, और सबसे ज्यादा रश्मिका मंदाना की भी एक्टिंग बढ़िया आई थी। जिस तरह से इंडिया में इस फिल्म की हाइप बनाई गई थी, उस हाइप पे कितनी खरी उतरी फिल्म? नहीं, बहुत खरी उतरी, हमारे हिसाब से तो बहुत खरी उतरी है इंडिया में। कैसी लगी सर फिल्म? फिल्म अच्छी थी, जितना हाइप क्रिएट करा मेरे हिसाब से उतना आपको दिमाग नहीं थी, बट हाँ ठीक थी। क्या खास था फिल्म में? फिल्म में रणवीर की एक्टिंग टॉप नॉच थी, ऊपर से असंज लव फॉरिश फादर वो भी मतलब अच्छा इमोशनल सीन क्रिएट करा है, यही कहना चाहूँगा बस। जिस तरह से ऑल इंडिया में फिल्म कमाई कर रही है, सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, उस पर क्या कहेंगे? हाँ तो वो उसके कैपेबल है, मतलब ऐसे नहीं कह सकते हैं कि मतलब बिना मतलब कमाई की जा रही है, कमाई ठीक अच्छी कर रही है। गाने कैसे थे फिल्म के? गाने टॉप नॉच थे, ये तो मैं कहना ही भूल गया, गाने सारे अच्छे थे। सर फिल्म एनिमल देखी आपने, कैसी लगी? नहीं, बहुत प्यारी, मतलब ऐसा उसमें हर बचपन से लेके बचपन भी है और उसमें जवानी का भी दिया गया, लेकिन सबसे उसमें मेन दिखाया गया क्या, मतलब पापा के लिए प्यार। जिस तरह से हाइप बनी थी ऑल इंडिया के बारे पर, तो कैसी लगी फिल्म? कैसे क्या बोलते हैं, जिस तरह से इस मूवी की हाइप बनाई गई थी, हाँ? उस पर कैसी खरी उतरी? अब वो उस पे क्या ही बताया, ठीक है उस पे तो ठीक है, मतलब उस पे ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हाँ ऑल ओवर ये समझ में आया कि टोटल उसमें दिखाया गया तो पापा के लिए प्यार कि जिसमें मतलब कुछ भी कर सकता है। आपने जेपी सिनेमा में एनिमल फिल्म देखी है, कैसी लगी सर आपको? बहुत मस्त थी, सबसे तगड़ा लगे BGM जी, इसका जो BGM है बहुत खतरनाक, और मूवी लंबा था बहुत, बीच में कहीं पे बोर हो रहा था, जैसे सेकंड हाफ में एक घंटे तक तो बोर किया बहुत तगड़ा वाला जी, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था जी, लेकिन फिर बाद में जब पेस पकड़ी मूवी ने थोड़ा BGM हुआ तो मजा आया जी, बाकी पहले हाफ बहुत मस्त था जी, फिर जब सेकंड हाफ में थोड़ी देर तक बोर करता है, फिर उसके बाद मूवी फिर पेस पकड़ती है तो अच्छा चलता है। बाकी BGM सबसे टॉप नॉच था, उतना एक्शन नहीं था, पर ये ऐसा नहीं कि एक्शन मूवी नहीं थी, ये मूवी थी स्टोरी वाइज और एक्शन थोड़ा बहुत जी, तो इतना ही बोलना चाहिए। जिस तरह से इस मूवी की हाइप बनी, उस पर कैसी खरी उतरी? देखो मूवी की हाइप इसलिए थी क्योंकि इसको ऐसे ही हाइप किया गया था कि वायलेंट मूवी है, वायलेंट बहुत होगा ये वो, लेकिन वायलेंट तो थी लेकिन उतना भी नहीं, जिस तरह से वायलेंट, ऐसा नहीं कि वायलेंट उस तरह से नहीं थी, पर एक्शन सीक्वेंस कितने ही थे, दो तीन एक्शन सीक्वेंस थे, उसमें वायलेंस दिखाया कितना, पर हाँ ठीक है वायलेंस तो थी जब।